डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारे चैनल में खुश आमदीद। आज हमने एक कनाल में जो सब्जियां लगाई हुई हैं हम आज आपको वो दिखाते हैं। हमने इसमें प्याज, शलजम, गाजर और आम की पनीरी लगाई हुई है। हम आपको दिखाते हैं कि हमने किस तरीके से लगाई हुई है। हमने आम प्याज की फसल लगाई हुई है सिर्फ 5-6 मरले में। अगर इसकी अच्छी पैदावार आएगी तो हम इसको मज़ीद ज़मीन में काश्त करेंगे। अभी हम इसको चेक कर रहे हैं कि इसकी कितनी पैदावार आती है। ये हमने प्याज काश्त किया हुआ है, माशाल्लाह काश्त बहुत अच्छी हुई है। इसमें जो है हमने नर्सरी बनाई हुई है। ये देखिए हमने इसमें धनिया भी काश्त किया हुआ है और भिंडी काश्त की है, और वो जो है ना नज़दीक हमारे पास एक बंद पड़ा हुआ है उसके साथ हमने कद्दू काश्त किया हुआ है और घिया तुरी भी काश्त की हुई है। हमने अपनी सब्जियां देसी यानी कि काश्त की हुई हैं ताकि शहरी सब्जियों से हम बचें। हम देखना चाहते हैं कि प्याज की काश्त में हमें क्या फ़ायदा आता है। यहाँ पे हमने शलजम काश्त किया था और माशाल्लाह हमने लुत्फ़अंदोज़ी से सब्ज़ी खाई। ये माशाल्लाह गाजर जो है अच्छी तरह यहाँ पर खानी कर दिए हैं ताकि आगे जो हमने बाग लगाया हुआ है जहाँ पर पौधा सूखेगा ये पौधा उठा के वहीं ले जाएंगे और वहीं डालेंगे। हमारा फालसे का पौधा है, ये जो अभी है ना फूट रहा है और ये छोटे बच्चे जो है ना हमारे से बड़े शौक से खाते हैं। अस्सलामुअलैकुम। कारोबार हमने शुरू किया है आम ख़रीदने के लिए। हमने जो है ना ये आम के पौधे ख़रीदे हैं, इंशाल्लाह इसकी मेहनत खुद आप कर रहे हैं और जो है ना हमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस कारोबार को आगे बढ़ाएंगे और जो है ना जो कारोबार में जब इजाफा होगा तो इंशाल्लाह मज़ीद इंशाल्लाह हम अच्छा कारोबार करना चाहिए। इस वक्त हम जो है ना अपने बाग में आए हुए हैं। हमने इसको एक स्प्रे किया है अभी बाइफेंथ्रिन का, उसके बाद जो है ना इसको स्प्रे करेंगे ये जो फफूंदी वगैरह के लिए स्प्रे करेंगे, नेटिवो करेंगे, उसके बाद जो है ना केला वगैरह जो रेशा होता है ना उसके लिए स्प्रे हम FMC का टेलस्टा करेंगे। और जो है ना इसके बारे में और हम आपको बताना चाहते हैं, ये जो लगा हुआ है ना ये बटूर, ये जो लगा हुआ है ना इसको अभी हम काटना चाहते हैं क्योंकि ये बटूर जो है ना इसमें कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं जो छोटे आम के दाने को जो नुकसान पहुँचाते हैं। लिहाजा ये जो हमारे पास लगे हुए हैं ना ये इसको हम तोड़ना चाहते हैं